8 lakh. Per year. Per day. Per day. Really? Yes. 8 lakh ghante. Ek din ka kaam. To phir hum to 8 lakh, 8 ghante karkar, yahan pe 50,000, 60,000 per mahina kamate hain. Aur yahan pe, to phir income limited hogi, unlimited hogi. Unlimited. Unlimited. Hum sabko pata hai. इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं और फिर कुछ और लोग आगे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा उनके लिए काम करता है वो काम नहीं करते उनके लिए क्या काम करता है पैसा पैसा हम मान लेते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके नाम 1,000 करोड़ रुपए छोड़ गए आपने इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में अब 20% अप्रिसिएशन तो मिलेगी आपकी कम से कम तो कितना आपका पैसा आ गया प्रॉफिट कितना हो गया बता सकते हैं सिंगल आपको कितना हो गया कितने टोटल अमाउंट कितना बोला 1,000 करोड़ 200 करोड़ नहीं होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए 200 करोड़ रुपया सर कितने देर में एक साल में कैसे इजी लग रहा है अब कौन काम कर रहा है वहां पे कोई टीम है जो आपकी 10 लाख की या 1 लाख की नहीं वहां पैसा काम कर रहा है हाँ पैसा काम कर रहा है पैसा आपके लिए काम करेगा और आप इनकम जनरेट कर सकते हो अब बताना चाहता हूं अगर मैं इसको लेफ्ट साइड मार लूं और इसको राइट साइड मार लूं यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं हार्ड वर्क राइट रूम यस सुबह जाना है रात को आना है और यहां पे जो लोग काम कर रहे हैं राइट में वो कौन सा कर रहे हैं स्मार्ट वर्क क्योंकि किसी के लिए पैसा काम कर रहे हैं किसी के लिए टीम काम कर रही है और यहां पे जो इनकम आ रही है वो फाइनेंट इनकम आ रही है मतलब ना भी थोड़ी थोड़ी बहुत 50,000 60,000 80,000 हाँ जी तो पूछा किसी से हाँ जी गुप्ता जी कैसे हो टाइम चल रहा है कट रहा हूं 10 रुपए फिर पूछा चल रहा है कट रहा हूं तो ये राइट साइड वाले बोलेंगे नो बोलेंगे कि नहीं चल रहा है नो यहां पे इनकम है इनफिनिट अनलिमिटेड और सच्ची यहां पे इनकम है एक्टिव एक्टिव शटर उठाना पड़ेगा तभी कहां कहेगा यस यस शटर नहीं उठाओगे घर बैठे रहोगे क्वेल्ट में लिफ्ट कर ठंडी ठंडी में आते रहोगे तो ग्राहक आएंगे ऐसा आ जाएगा नो नहीं मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप एक्टिव नहीं होते आप पैसिव रहते हो आप टूर पर गए हो घूमने गए हो फैमिली के साथ और पीछे 1 लाख लोग काम करने वाले हैं आपकी मैनेजमेंट है तो आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा चलेगा तो पैसिव यहां पे आप क्या कर रहे हो स्ट्रगल आज ही गुप्ता जी स्ट्रगल कर रहे थे 10 साल फिर पूछा क्या कर रहे थे स्ट्रगल कर रहे थे और यहां पे आज भी एंजॉय हो रहा है और 10 साल बाद भी क्या होगा एंजॉय एंजॉय अब हम सब जानते हैं कि हम कौन से साइड में हैं ये बताने की जरूरत नहीं है हम लेफ्ट में हैं या राइट में हैं लेकिन लेकिन हम सब लोग राइट जाना चाहते हैं राइट यस जाना चाहते हैं राइट यस राइट जाना चाहते हैं यस नहीं ऐसे नहीं जाना चाहते हैं यस हम सब लोग राइट जाना चाहते हैं क्योंकि राइट में दुनिया का 90% पैसा पड़ा हुआ है दुनिया का 90% पैसा राइट में पड़ा हुआ है और यहां पे 10% पड़ा हुआ है और बंदे आप हैरान रह जाओगे कि 90% लोग लेफ्ट में ही जीते हैं और चले जाते हैं और यहां पे 10% लोग हैं यानी कहने का भाव क्या हुआ कि दुनिया का 10% लोग 90% के पैसे ऊपर कब्जा किया हुआ है और 90% लोगों के पास क्या है तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे करेंगे सो ये मैंने क्यों बताया देयर इज रीजन बिहाइंड इट
कि आज जिसने आपको इनवाइट किया, मैंने क्या बोला था, आपका क्या करोगे? थैंक्स करोगे सर, जोर से हग कर लेना उसके साथ, क्योंकि अगर आपकी कोई अपने जिसने बनाया वो लड़की है उससे भी कभी ऐसा मत करना भाई। तो हम इसलिए करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि उन्होंने आज हमारे को 2000 किलोमीटर से बुलाया, उठाकर कहां करना है, लेफ्ट से कहां करना है, राइट करना है। तो आप सब राइट जाने को तैयार, तो कैसे जाएंगे? अब क्या बिजनेस है जिसके साथ, क्योंकि पहले तो आप काम करो ना करो, तो नो वर्किंग मैंने बताया, अब वर्किंग प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखों को खोल कर रख देगा और आपको लगेगा कि आज जिस कंपनी, जिस कमिटेड कंपनी के साथ आज मैं जुड़ा हूं और इसके साथ चलकर मैं कहां पहुंच सकता हूं, मेरे कितने सपने हैं, मैं देख सकता हूं ड्रीम किसके होते हैं, कि ड्रीम किस किसके हैं, कुछ लोगों के नहीं है, सबके हैं। वेरी गुड, इनके लिए क्या नाम सर आपका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह के लिए क्या बहुत तो एक बात सुन लेना कि वो सब के सब ड्रीम्स अब आपके पूरे होने वाले हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। आप सोचो कि मैं 1 करोड़ रुपया साल का कमाना चाहता हूं, आ जाएगा। अब सिंगला जी ने तो सोच रहा है कि मैं तो 1 करोड़ रुपया एक दिन का कमाऊंगा, आ जाएगा, क्योंकि एक इंसान की तरक्की, मैंने पढ़ा था किसी बुक में, एक इंसान की तरक्की सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोच। अब सिंगला जी ने सोच लिया कि मैं 1 करोड़ रुपया महीना डे पर डे कमाऊंगा तो आएगा, मैंने सोच लिया मैं तो साल का कमाऊंगा तो साल का आएगा, जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा। यहां पे सब कुछ है, नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, पीस ऑफ माइंड, हर चीज यहां पे आपको मिलेगी। और एक बात मिस्टर आलू वाली जो बोल कर गए, तो मैं और ऐड करना चाहता हूं, हमारी कंपनी के काम करने के टूल क्या है, हमारी कंपनी के काम करने के टूल है सच्चाई, ईमानदारी, निर्दली, प्यार और जन्म, ये 5 टूल है हमारे पास, इनके साथ हम काम करते हैं। इसीलिए हमारे को किसी बाहर के बंदे, जैसे बता रहे थे, किसी बाहर के बंदे की मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सब खुद क्या है, मोटिवेटर स्पीकर हैं, और हम सब एक एक दो दो घंटे बोलने वाले बंदे यहां पर बैठे हुए हैं, पर चाहती में तो देख रहा हूं आग है सबके अंदर, मैं सब बात कर रहा हूं, सबका ध्यान इधर स्टेज की तरफ है, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं भटक रहा, क्योंकि कुछ करना चाहते हैं। तो पहली इनकम जो मैं आपको यहां पर, ये सेकंड हो गई, पहले तो वो आपको जो वीकली वर्क पर जाते हैं पहली इनकम हो गई, सेकंड इनकम आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको डायरेक्ट इनकम मिलेगी। आपने अपने आप को यहां पे ज्वाइन कर लिया, अब यू का मतलब सबने अपने आपको यहां पर समझना, यू का मतलब आप सब अपने आप यहां पर देख रहे हैं। अब आप किस अमाउंट के साथ, किस पैकेज के साथ ज्वाइन हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड के साथ हुए हो या रेड के साथ हुए हो या गोल्ड के साथ हुए हो, किसी किसके साथ आप ज्वाइन हुए हो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपके जो नीचे बिजनेस है वो 25 लाख आ जाता है, 2.5 लाख आ जाता है, तो आपका यहाँ पे जो लेवल है डायरेक्ट इनकम आपको 5% मिलती है। मान लो आपने यहाँ पे किसी का 50,000 रुपया लगवाया और आपका इमीडिएटली आपके अकाउंट में 2500 रुपया ट्रांसफर, क्लियर? अब ये बिजनेस आपका बढ़कर, आपका नहीं आपकी टीम का, आपकी टोटल समुच्चय टीम का ये बिजनेस बढ़कर 25 लाख हो गया, तो आपका यहां पे जो लेवल है
वो 7% हो गया। अब जो 5% और 5% में देगा और ये 2% कहाँ जाएगा, कंपनी को चला जाएगा, किसको चला जाएगा, यूनियन को चला जाएगा। अब पैसा कलेक्टर कोई लेकर आया आपकी गवर्नमेंट में, आपको पता ही नहीं, जब आपको दिख लिया आपको था आपको एम्बुलेंस आनी शुरू हो जाएगी, वहां से पैसा आया उसका इतना परसेंट उठ गया, वहां से पैसा आया उस आईडी से पैसा आया इतना उठ गया, उस आईडी से ये बैंक लिया इतना उठ गया, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जब आपका बिजनेस 50 लाख का हो गया तो आप 9% लेवरेज कर लेते हो, आपका बिजनेस 1 ईयर का हो गया, मैं आपका बिजनेस का मतलब फिर बताना चाहता हूं, आपकी सूची 3 का, यानी कि जो आप लेकर आओगे। तो यहां पे आपको आपका जो कमीशन है वो 10.5% हो गया और 4 करोड़ पे ये आपका जो कमीशन है वो 12% हो गया और उसके बाद 10 ईयर पे ये आपका बिजनेस जो है डायरेक्ट इनकम है 13% हो गई और 30 ईयर के ऊपर ये 14% हो गई और 100 ईयर के ऊपर ये 14.5% हो गया और 300 CR के ऊपर ये 50%। जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मेहनत की आप 15% पे पहुंचे, राइट। आप जब अपने जोड़ दिए 2.5 लाख वाले, मान लेते आपने 10 बंदे जोड़ 2.5 लाख, तो आपको डायरेक्ट इनकम कितनी आ रही है, 5% या 7%, है ना, 15 तो आ नहीं सकती, 15 तो नहीं आ सकते, फिर आपको 15% नहीं आएंगे, फिर आएगी 15% आपको इनकम आ रही है और सेल बताइए 2.5 लाख का 15% कितना हो गया, 37,500 रुपया, यानी 10 लोगों ने हमें जोड़ा 10 जगह 37,500 कितना हो गया 3.75 लाख, जस्ट 3.75 लाख आपने जस्ट उनको रिकमेंड किया, कुछ और काम तो नहीं किया ना, कोई आप यहां से प्रोडक्ट उठाकर लेकर गए, अरे भाई प्रोडक्ट ले लो ये ले लो वो ले लो, कुछ किया नहीं, आपने बिजनेस किया कितना, 25 लाख का बिजनेस किया तो आपको कितना मिल गया, 4.5 लाख। ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा क्या, सुना है क्या, ऐसा बिजनेस हमने कभी सुना देखा नहीं था, ये बिजनेस है हमारा, ये तो सेकंड इनकम है, अभी मैं आपको थर्ड इनकम बताने जा रहा हूं।